हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सुजलिका फूड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। न मावा, न मलाई, न चाशनी, न मिल्क पाउडर, ना ही घी। 5 मिनट में मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर तैयार होगी, वो भी बिना गैस जलाए, जिसे आप सप्ताह भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, वो भी फ्री में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे आधी कटोरी चीनी लिया है, इसे हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को कटोरी से नाप कर लिया है। आप भी घर का कोई कटोरी या कप सेट कर ले, सारा मेजरमेंट आप उसी से करें। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/3 कटोरी हम इसमें नारियल का बुरादा डाल रहे हैं, इससे हमारी मिठाई में अच्छा सा लुक और टेक्स्चर आएगा और उसका स्वाद भी बढ़ेगा। 3 से 4 इलायची को दाने को हम यहाँ पर डाल देते हैं। अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। और ये देखिए, हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे 2 बड़े चम्मच के करीब मैं टूटी फूटी डाल रही हूँ। इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर अपने मनपसंद बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, या फिर मिठाई को आप बिना कुछ डाले सिंपल भी बना सकते हैं। सभी चीज़ों को मिला लेंगे। अब मैंने यहाँ पे 1 कटोरी भुना हुआ चने का पाउडर लिया है, जिसे हम सत्तू भी कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखता है, हमारे शरीर में पानी की कमी को होने नहीं देता है। इसको खाने से आपको जल्दी प्यास नहीं लगेगी, शरीर में ठंडक पहुँचाता है। तो गर्मी के दिन में हमें इसे डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अब मिठाई में अच्छा सा कलर डालने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा केसरिया फूड कलर डाला है। इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर मिला लीजिए, उससे भी इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे दूध लिए हैं। दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। दूध को थोड़ा थोड़ा डाल के इसका हमें एक नरम, हल्का नरम आटा लगा के तैयार करना है, ना ही बहुत सख्त ना ही बहुत ज़्यादा नरम। तो दूध को थोड़ा थोड़ा डालेंगे और अच्छे से इसे मसल कर हम डो लगा लेंगे। और ये देखिए, हमने इसका हल्का नरम आटा लगा के तैयार कर लिया है। इस डो को लगाने में 1/3 कटोरी दूध लगा है। डो को हम 2 हिस्सों में बांट लेंगे। एक हिस्से को इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए, चिकना करते हुए हमें इसका रोल बनाना है। मैं इसे रोल बना रही हूँ, आप चाहें तो इसके लड्डू बना सकते हैं, पेड़े बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। रोल आपको मोटा चाहिए पतला चाहिए, उस हिसाब से आप रोल को बनाएं। और ये देखिए, हमने इस तरह से रोल को बना लिया है। अब इसे हम एक प्लास्टिक शीट के ऊपर रख देते हैं। आप प्लास्टिक शीट के बदले यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल या बटर पेपर ले सकते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल दे रहे हैं और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। आप चाहें तो अपने मनपसंद बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट से भी इसको गार्निश कर सकते हैं, या फिर सिल्वर वर्क से भी आप इसे गार्निश कर सकते हैं, या फिर इसे सिंपल भी रख सकते हैं। और इस तरीके से फिर इसे हम अच्छे से लपेट लेंगे चिकना करते हुए। और इस तरह से हमारा एक रोल बनकर तैयार हो गया है। हमने दोनों रोल बना लिए हैं। अब इसे हम 1 से 2 घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिसे ये अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए, 1 से 2 घंटा हो गए, हमारे रोल भी अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो काटते वक्त आराम से काटना है, नहीं तो फिर इसका शेप बिगड़ सकता है। मोटा पतला आप अपने हिसाब से इसे काट सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा मिठाई बनकर तैयार हुआ है, वो भी बिना गैस जलाए। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और लीजिए, हमारी हेल्दी टेस्टी मिठाई बनकर तैयार है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।